सेन जी के इंतकाल के बाद उनके मिट्टी देने नहीं गए दिल्ली में, और शहाबुद्दीन जी को के बेटा को शामिल करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और इससे भाजपा को क्या अंतर पड़ने वाला है, इसका अंतर राजद को पड़ सकता है, इसका घाटा राजद को हो सकता है, फायदा हो सकता है, हमें क्या होगा, फर्क भाजपा को क्यों पड़ेगा। ये तो तेजस्वी जी के लिए चिंता का विषय है, कौन भाग रहा है कौन रह रहा है। हमारे पार्टी के नेता नहीं ना भाग रहा है कि हमको चिंता हो जाएगी, चाहे आ रहा है तो हमको खुशी हो जाएगी, मेरा हम लोग के लायक कोई विषय ही नहीं। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल हमारे साथ हैं, आप लोग दंगाई गोदाम चलाते हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास काम बचा ही नहीं है, इसी प्रकार का अनर्गल बयान दे सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। जब काम करने का मौका मिला तब तो आठ को विभाग लेके चुपचाप बैठे रहे। दंगाई गोदाम हम लोग क्यों चलाएंगे, हम लोग तो राष्ट्रवाद पर विश्वास करते हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद पर काम करते हैं, हमें राष्ट्र की चिंता है। उन्हें बिहार को लूटने की चिंता में लगे रहते हैं कि कैसे सत्ता हमारे हाथ में आए ताकि हम बिहार को लूटें, तो हम लोग से उनका क्या तुलना हो सकता है। चार सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या बीजेपी का वहाँ जीत रहे हैं? जितना भी चुनाव हो रहे हैं सब इनके विरोध में ही जाने वाला है, सभी पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, और बिहार और झारखंड की जनता इनको अपने औकात में लाने का काम करेगी, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जो इन्होंने बीज रोपा है उसी का ना फसल काटेंगे। बीज तो रोपे अपराध को बढ़ावा देने का, बीज रोपे क्रिमिनल्स को उत्साहित करने का, प्रोत्साहित करने का, बीज रोपे घोटाला का, भ्रष्टाचार का, तो इसके बदले वोट नहीं ना मिलेगा, वोट तो इसके खिलाफ ही मिलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चुनाव में उपचुनाव में जब जाएंगे वोट मांगने तो वहाँ हमने जो 17 महीने के कार्यकाल के दौरान रोजगार युवाओं को दिया है उस पर वोट, बीच में कुछ सीट इसलिए मिल गया ना कि लोगों को लगा कि लालू जी के बाद तेजस्वी जी कहीं कुछ दूसरे हिसाब से राजनीति करेंगे, सकारात्मक दिशा में काम करेंगे। लेकिन जब सत्ता में मौका मिला दो दो बार डिप्टी सीएम रहने का, और बिहार के लोगों का चिंता तेजस्वी जी ने नहीं किया, तो बिहार के वैसे लोग जो गुमराह हो रहे थे कि भाई चलिए इनसे नाराज होंगे तो उधर चले जाएंगे, वैसे सभी लोग का जो गुमराह हो रहे थे वो भरम टूट गया, और सभी लोग मान लिए कि बिहार का विकास एनडीए के द्वारा ही हो सकता है, बिहार का विकास नीतीश कुमार और भाजपा के शासन में ही हो सकता है, एनडीए गठबंधन लोजपा के शासन में हो सकता है, ऐसे बिहार का विकास संभव नहीं है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और हिना साहब आज आरजेडी फिर से ज्वाइन कर रही है, तेजस्वी यादव और लालू यादव उन्हें ज्वाइन करवा रहे हैं, ये मेरा विषय नहीं हो सकता है। अब ओसामा जी कहाँ जा रहे हैं और हिना साहब जी कहाँ जा रहे हैं ये भाजपा का विषय थोड़ा ही है। लेकिन आज तेजस्वी यादव को ये लग रहा होगा कि वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खसक रहा है, इसलिए वो फिर वापस लेकर आ रही है। उनका तो सब कुछ खसक रहा है, तो किसको वापस लेके चले आएंगे। शहाबुद्दीन जी के इंतकाल के बाद उनके मिट्टी देने नहीं गए दिल्ली में, और शहाबुद्दीन जी को के बेटा को शामिल कर देने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और इससे भाजपा को क्या अंतर पड़ने वाला है, इसका अंतर राजद को पड़ सकता है, इसका घाटा राजद को हो सकता है, फायदा हो सकता है, हमें क्या हो सकता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एजेंडा है, हम लोग अपने एजेंडे पर काम करते हैं, ये मेरा विषय नहीं है, कौन आया कौन गया अपना जाने, वो जाने उनकी पार्टी जाने। उपचुनाव में इसका कोई फर्क नहीं, ना उपचुनाव में फर्क पड़ेगा ना चुनाव में फर्क पड़ेगा, फर्क क्यों पड़ेगा, इसका फर्क भाजपा को क्यों पड़ेगा। ये तो तेजस्वी जी के लिए चिंता का विषय है कि कौन भाग रहा है कौन रह रहा है। हमारे पार्टी के नेता नहीं ना भाग रहा है कि हमको चिंता हो जाएगी, चाहे आ रहा है तो हमको खुशी हो जाएगी, मेरा हम लोग के लायक कोई विषय ही नहीं है। तो चलिए, बीजेपी विधायक पवन जायसवाल हमारे साथ थे जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।